हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय चैनल नेम इज़ बिटू टिप्स विद सीमा। मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो अगर इन सर्दियों के मौसम में आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं या बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या इचनेस की प्रॉब्लम है, तो मैं आज आप लोगों को एक ऐसा DIY बताने वाली हूँ फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, हम इस DIY को वैसलिन से तैयार करेंगे। यकीन मानिए, आपके बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे, मैनेजेबल लगेंगे, सिल्की शाइन लगेंगे, सॉफ्ट लगेंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि हम इस छोटे से वैसलिन से अपने बालों को इतना ज़्यादा सिल्की शाइन बना सकते हैं। तो मेरी इस DIY को पूरा देखिएगा फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, एलोवेरा का जूस लेना। जी हाँ फ्रेंड्स, आप चाहे तो प्लांट बेस्ड एलोवेरा भी ले सकते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा जूस नहीं है तो प्लांट बेस्ड एलोवेरा भी बहुत अच्छा होगा। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ एलोवेरा जूस, जो हमारे बालों को बहुत ज़्यादा हद तक काला बनाए रखता है, सिल्की शाइन बनाए रखता है और समय सफ़ेद नहीं होने देता है। और इसके बेनिफिट बहुत ही है। 96% तक एलोवेरा में पानी होता है, जो हमारे बालों को हाइड्रेट करता है, हमारे बालों की नमी को बनाए रखता है। तो यहाँ पे मैंने आप कह लीजिए 2 से 3 चम्मच मैंने यहाँ पे लिया है एलोवेरा जूस। देख लीजिए, आप भी इसी तरह से प्रिपेयर करिएगा जैसे मैं बता रही हूँ। और फिर इसके अंदर हमें ऐड कर देना है वैसलीन। जी हाँ फ्रेंड्स, वैसलीन भी हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइन बनाता है, सॉफ्ट बनाता है। तो मैं यहाँ पे ये छोटे से जो 5 रुपये वाली वैसलीन है उसे मैं लूँगी, यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे। हमें ज़्यादा नहीं लेना, बस ये 1/2 टेबल स्पून लेना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इसे क्या करना है, वैसलीन को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है इस एलोवेरा जूस में। आप चाहे तो लेमन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आंवले जूस में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सर्दियों के मौसम में एलोवेरा हमारे बालों को बहुत ही ज़्यादा सिल्की शाइन सॉफ्ट बनाता है। ये हमारे बालों को, एलोवेरा जूस हमारे बालों को भी कोई भी हानि नहीं होने देता। अगर डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो भी ये रिमूव करेगा, और इचनेस की प्रॉब्लम है तो भी फ्रेंड्स आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा इचनेस से दूर रखेगा। इन्फेक्शन हो गए हैं तो उसे भी ये दूर रखेगा। तो इस तरह से इस DIY को हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक एलोवेरा जूस लेना है और हमें वैसलीन का यूज़ करके हम अपने बालों को बहुत दिनों तक काला बनाए रख सकते हैं। बहुत कम उम्र में भी अगर बाल वाइट हो गए हैं तो इस DIY को ज़रूर प्रिपेयर करके अपने बालों पर यूज़ करिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से वैसलीन को मिक्स कर लिया है। मिक्स करके देखिए, ये एक हेयर सीरम की तरह तैयार हो चुका है। अगर आप इसे सिर्फ ऐसे ही यूज़ करेंगे तो भी आपके बाल बहुत ही ज़्यादा हेल्दी लगेंगे, सिल्की सॉफ्ट लगेंगे। हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो वो भी खत्म होगी, अगर हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है तो वो भी खत्म होगी। तो इसी तरह से इस DIY को ज़रूर प्रिपेयर करिएगा। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ जटामासी। जी हाँ, आपने देखा होगा मैंने अपने हर वीडियो में जटामासी का यूज़ किया है, क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे बालों को नेचुरल तरीके से काला कलर देती है और इससे हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और मैनेजेबल लगते हैं। और आपके जो अगर हेयर ग्रोथ नहीं हो रही है तो इससे हेयर ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। अगर आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गए हैं और उस जगह पे आपके बाल नहीं आते हैं तो आप इस तरह से जटामासी का यूज़ करेंगे ना, तो दोबारा से आपके बाल उगना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी हेयर फॉल हैं या फिर डैंड्रफ हैं, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, वो सारे प्रॉब्लम से आपको राहत मिलेगी। तो मैंने ये देख ली, मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करके फिर आपको इसे कॉटन बॉल की सहायता से अपने बालों पे अप्लाई करना है फ्रेंड्स। और इसे ऐसे ही मतलब 2 से 3 घंटा रख देंगे तो बहुत अच्छा होगा फ्रेंड्स। इसके बाद आप इसे वॉश कर लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका कितना खूबसूरत कलर आ चुका है फ्रेंड्स। यकीन मानिए, ये आपके हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आपको हफ्ते में इसे 1 से 2 बार ही यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। इसे आप कॉटन बॉल की सहायता से या फिर एक ब्रश की सहायता से अपने बालों पर यूज़ करिएगा। हाँ फ्रेंड्स, लेकिन अगर आप इस DIY को यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने बालों को अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा स्कैल्प को, फिर उसके बाद अपने बालों की जड़ों में इसे लगाइएगा। फिर देखिएगा फ्रेंड्स, आपको रिजल्ट इसका 1 हफ्ते में ही आपको दिखने लगेगा। हेयर फॉल कम हो जाएंगे, डैंड्रफ कम हो जाएंगे और हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है वो भी खत्म हो जाएगी, और आपके जो बाल है ना वो जड़ से काले आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से इस DIY को प्रिपेयर किया है, तो आप भी कुछ इस तरह से प्रिपेयर करके अपने बालों को यूज़ करिएगा। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल।